ये देखो भाई, चूहा महाराज का घर। ये देखो भाई, तो फिलहाल अपन लेके आए हैं चूहों के लिए नाश्ता, जिसको चूहे खाकर सालों साल अफरे रहेंगे। लो जी सर, हो गया चालू। न्यू डे, गाड़ी की सोच चालू है और अपने लिए चालू करना है क्रेशर। ये तो कुल लगा ट्रैक्टर। हाँ बाय यार, की टंकी भी खोल दी डैडी ने, खोल दी होगी, अच्छे आदमी है वो। एक्चुअली अपने लिए ट्रैक्टर चालू करना है क्रेशर, तो करते हैं चालू क्रेशर। अब भाई इसका सेल्फ लग जाए वो बड़ी बात है, क्योंकि कल रात को अपन ने इसमें अच्छी वाली बैटरी निकाल के बेकार वाली बैटरी डाली थी, तो देखते हैं। और सुबह अलग है, चारों तरफ धुंध है, सेल्फ लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम। थोड़ा देर सो चालू रहने देते हैं ताकि सब चीजें लोड वगैरह हो जाए। हो गया पंगा। अब जैसे अलम नहीं ले रहा दाऊ, ये सच्ची हम बोई ट्रैक्टर उठा ले आते घर से। अब क्या करने, अब क्या करिए यार। दूसरे ट्रैक्टर ले चल ना पा रहा होता। लफड़ा हुआ हो गया। आओ का दूंगा तो आ रहा हूँ, लेनी रहा सेल ज्यादा सी है तो एक आदमी रोल लगा के देख रहा तो वहीं तसल्ली हो। वो नहीं लगने वजह से। चल तुम एक काम करो, तुम आगे बाल तना आगे जाओ, इतने में हम लेके आ रहे हैं दूसरा ट्रैक्टर। हाँ ये को लग जाए भगवान से हेल्प, नहीं को सी नहीं लगा। सब खेत आके ट्रैक्टर को लगा दिया है क्रेशर पे। देखो जी अब अपना रस बनने का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो रस बना लेते हैं। तो भाई दिन हो गया है और सब काम अपन ने मेंटेनेंस पे ले आए हैं, तीन ट्रॉली डंपिंग भी कर दी है सुबह से, लेबर्स बहुत कम आए हैं तो अपन ने फीमेल लेबर्स बुलाए हैं, वो भी अच्छा खासा काम कर रही हैं। और अब अपन इस ट्रैक्टर से जो छोटा है उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं, क्योंकि आज लेबर्स अपने पास कम है और एक लेबर की जगह मैं ही काम कर रहा था, तो अगर अपन ट्रैक्टर से ये काम कर देंगे कल्टीवेटर कहाँ गया मेरी जान। चलो भाई इस पत्थर को गिराते हैं जो कि मैंने काफी मेहनत से रखा था। जो पत्थर तुम अकेले धर ले ऊपर धर ले हो यार, तो मान सकते जो हमने अकेले धर हो जे कल लामा थे अकेले यार खेत में कोनो नहीं, फिर हमने करो करो जी राम भगवान कसम, यह तो लगा तो हमने कोनो जंग मांग जीत लाई। तो कल्टीवेटर फंसा दिया है, मुझे जाना दूसरे ट्रैक्टर पे। तो
भाई चलो अब घर पे चलते हैं। मैंने काफ़ी बड़ा ढेर इकट्ठा कर दिया है, ग्राउंड बहुत हद तक खाली कर दिया है। जो गीली वाली रहेगी अब वो वहाँ पर डल जाएगी। और भाई आज सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का काम मेंटेनेंस पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि सुबह मैं अकेला था और एक बंदा और था, तो दो लोगों ने काम स्टार्ट किया था और अब तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और बहुत हद तक काम बन गया है। चलो कोई ना, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली तो कुछ काम तो बन गया। आज ज़्यादा नहीं तो लगभग 10 क्विंटल तो गुड़ बन ही जाएगा। यूजुअली अपना 15 तक पहुंच जाता है, 10, 12, 15। आज थोड़ा कम बनेगा लेकिन 10 के समथिंग तो पा लेंगे। चलो घर पे चलते हैं। ऑल सेट, इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड और अपन आ चुके हैं अपने खेत। और अपने लिए करनी है भाई डंपिंग। डंप कर दिया है, अब जा रहा है SSP डालने के लिए अपने गन्ने में। सिंगल सुपर फॉस्फेट डलवाते हैं। वैसे हो तो गई शाम, ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, जितना भी डाल पाएंगे बाकी का काम फिर देखेंगे बाद में, कल या परसों। एक्चुअली ट्रैक्टर का सेल्फ नहीं लग रहा है तो ट्रैक्टर को चालू कर रहा है PTO से। हाँ घुमाओ, हाँ नहीं भाव। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल्फ नहीं लग रहा है। ये देखो सेल्फ नहीं लग रहा है, तो घुमाओ कर रहे, घुमाओ, हम सुझाव नहीं हो तो क्या है। दूर भाई क्यों? क्या दिक्कत है यार? फॉरवर्ड रिवर्स। हाँ पटको बाल हम तुम उल्टो तो नहीं घुमा रहे हो ना गन? ले तुम छोड़ो, हमको मुआ रहा है का छोड़ दे, बस ट्रैक्टर आ गया ना माल जो नहीं उठल रहा है, क्यों ट्रैक्टर मैं ले जाऊं। एक्सीलेटर बढ़ा दे चला। लो जी सर हो गया चालू, सेल्फ लगाने की निंजा टेक्निक। तो फिलहाल अपन लेके आए हैं चूहों के लिए नाश्ता, जिसको चूहे खाकर सालों साल अफरे रहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर काफी ज्यादा चूहे लगे हैं इस वाले अपने खेत में, और ये अभी बालियों के स्टेज पे है। जब ये कबोर्ड की स्टेज पे था तो काफ़ी सारे चूहों ने इधर से इनको खा लिया है, बहुत सारे प्लांट डैमेज किए हैं और अभी भी रेगुलरली कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये देखो, ये लेके आए हैं चूहों के लिए बढ़िया सा नाश्ता। ये इसके अंदर दो टाइप का गेहूँ है, एक गेहूँ जिसमें जहर है, एक गेहूँ जो कि अच्छा टेस्टी गेहूँ है। तो टेस्टी गेहूँ और जहर वाले गेहूँ को मिक्स कर देंगे और बस कहीं कहीं छोटे छोटे ढेर बना के रख देंगे, जहाँ पे उनकी पोल है, जहाँ पे मेड की साइड साइड में, यहाँ पे खेत की साइड साइड में रख देंगे, ताकि चूहे वगैरह कंट्रोल हो जाए। स्प्रे वगैरह से चूहे कंट्रोल हो नहीं सकते, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। कुछ लोग गुड़ के अंदर बाल मिला के, हेयर्स बाल मिला कर देते हैं तो उससे भी मर जाते हैं, लेकिन अपन ने इसके अंदर चूहा मार दवाई मिलाई गेहूँ में और इसमें को पानी में
कुछ देर तक मतलब पानी के अंदर चूहे मारे दवाई मिलाई और फिर उसके अंदर अपन ने गेहूं डाल दिया, तो गेहूं ने जो पानी है वो पूरा सूख लिया। उसके बाद अपन यहाँ पर गेहूं लेके आया और बाकी में कुछ गेहूं है जो जिसको अपन ने नॉर्मली पानी में डाला था और उसके अंदर कोई दवाई नहीं मिलाई थी, उसको फुला के उसको तल वगैरह के तल के बढ़िया तरीके से बना के फिर उसको लेके आए हैं। अब दोनों गेहूं को मिक्स कर देते हैं, एक इसके नीचे एक ऊपर, इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखो भाई चूहों ने नुकसान किया है, देखो ये देखो ये देखो भाई नाश्ता भी अपन ने रख दिया है उनके लिए। कि तुम ये मत खाओ, वो खाओ नीचे वाला, नीचे वाला खाओ। ये देखो भाई चूहा महाराज का घर, काफी सारे घर हैं, इनकी कॉलोनी है पूरी। अरे मर गए रे, बहुत नुकसान करा है। ये देखो क्या हाल कर दिया है अच्छे खासे खेत का। ये देखो भाई एक जा है यार पुल। चूहे निपटाने के बाद अपन वापस आ गए हैं अपने साउथ फार्म और यहाँ पे अपन गन्ने भरवा रहे हैं ट्राली में। तो चलो सुबह अपन ने 3 ट्रॉली ऑलरेडी डंप कर दी थी, अब अपन ट्राई करेंगे कि 2 ट्रॉली और डंप कर ली इवनिंग हाफ, इवनिंग हाफ क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, सोने का हाफ थोड़ा बड़ा होता है, तो अपन ट्राई करेंगे कि 2 ट्रालियाँ और डंप हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मंजिल कैसा लग रहा हूँ भाई, अपना इवनिंग हाफ का 2 ट्रॉली का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है।